पूरे 8 दिन रखी, उसको रोटी भी दी, उसको पानी भी नहीं दिया, मैं किस तरह रखी, वो एक घड़ी नहीं रहती थी रोटी से बगैर। उस 8 साल की कठुआ रेप और मर्डर विक्टिम के 2 माँ बाप थे, एक जिन्होंने उनको पैदा किया और 2 जिन्होंने उनको पाला। आज दोनों माएँ चाहती हैं कि 1 साल बाद उनको इंसाफ मिले। हमको बहुत याद आती है हमारी बच्ची, बहुत खूबसूरत बच्ची थी हमारी, बहुत सही बच्ची थी, चालाक थी, जिधर जाती थी घोड़े वापस ले आती थी। थारे अबाई को दे दिया था, उन क्या करा, हमने ये इतना भी सोचा था बेटी को हम वापस करें थे, फिर इतने में उस 2 दिन गुजरे तरह उसका आस्था वो बन गया, फिर कहाँ वापस करेंगे, कहाँ लाएंगे बेटी, कहाँ डील देंगे। बस ऐसे गई है वो, इधर से गई पानी घोड़े को ले गए, तो फिर उधर गई है बस, उधर से फिर वापस नहीं आई। आप कभी वापस जाएंगे रसन्ना गांव? किधर नीचे ना, हम नहीं कभी गए उधर, क्यों डर लगती है तो, और क्यों उस लड़की गई जिधर लाश उधर भी नहीं पहुंची, हम नहीं गई उसमें, उधर नहीं गए, ऐसे डर लगती, कोई बेइज्जती करेगा, कोई गाली निकालेगा, कुछ न कुछ कहेगा। फिर इधर बहुत बड़ा जख्म था, इतना सारा मुंह में इतनी मिट्टी थी, बहुत बुरी हालत की थी उसकी, और 8 दिन रखी, उसको रोटी भी दी, उसको पानी भी नहीं दिया, मैं किस तरह रखी, वो एक घड़ी नहीं रहती थी रोटी से बगैर, चलती थी दाती थी, मम्मी हमको भूख लग गया रोटी दे दो, और कितने दिन वो भूखा रखा है, वो इतना बहुत अफसोस है, अपनी आई से मर जाती, बीमारी से मर जाती, हमको कोई अफसोस नहीं था भाई, इतनी जुल्म से वो मारी है, बहुत जुल्म की आए, हमको तो कोई शरारत नहीं थी, नहीं उनके गए थे, नहीं आए थे, नहीं हम, हमारा को घोड़ा नीचे गया, और का घोड़ा गया होगा, क्या बोलेंगे, घोड़ा चलता है, और भेड़ नहीं चले थी, बकरी नहीं जाए थी उधर, हम नहीं जाता था, तो फिर क्या पता उसको क्या शरारत, तो पूछना था ना उसको क्या शरारत थी तुमने वो लड़की मारा, इतने पूछना था उसको। एक तरफ रफीजा ये सोच रही है कि अगर उन्होंने आफरीन को जब वो 1 साल की थी नीमत को नहीं दिया होता तो क्या कुछ और होता, नीमत उस तरफ ये सोच रही है कि क्या अगर उन्होंने अपने बेटे को भेजा होता घोड़ों को वापस लाने के लिए और आफरीन को नहीं भेजा होता तो क्या कुछ और होता। हमारी बच्ची के साथ हादसा हो गया, ये क्यों हुआ, हम यही चाहते हैं हमारी बच्ची को और इंसाफ मिलना चाहिए और उनको फांसी होना चाहिए।